रावलापली में रहने वाली जानकी और स्वप्ना सास और बहू थी। सास बहुत समझदार थी लेकिन बहू बड़ी ना समझ। लेकिन उसे लगता यही था कि वो बहुत समझदार है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी ना समझी से कितने कितने बड़े नुकसान हो जाते हैं। वो अपने साथ साथ सबको उलझन में डाल देती थी और फिर सास उसे डांट लगाती थी। संक्षेप में साधारण सी बात को भी वो बड़ा मुद्दा बना देती थी और इस तरह उनका जीवन चल रहा था। एक दिन सवेरे सास उठी तो बहू भी उठकर उसके पास आ गई। अरे बहू, आज त्योहार है और घर घर के सामने सुंदर रंगोली डली है, लेकिन तुमने घर के सामने अभी तक कुछ नहीं किया है, उसने कहा। ये सुनकर बहू बोली, तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर के आंगन को चमका दूंगी, आप बस बैठकर देखते जाओ। कोई भी आलतू फालतू काम मत करना, समझ गई? आप हमेशा मुझसे इसी तरह से बात करती हो, मैं अपनी पूरी समझदारी से काम करूंगी, आप देखो। सो वो बाहर जाकर खड़ी हो गई और दूसरों की रंगोली देखने लगी। जैसे कि मेरी सास ने कहा है, सबका आंगन चमक रहा है, अब मैं कैसे चमकाऊं? जब वो इस बारे में सोच रही थी तो उसे एक मूर्खतापूर्ण विचार आया। हाँ, गाय के गोबर की जगह अगर मैं तेल और पानी मिलाकर डालूं तो ये तेज धूप में चमक उठेगा, तब तो मेरी सास निश्चित रूप से मेरी तारीफ करते थकेगी नहीं। तब उसने उस जगह पर पानी डालकर किचन से तेल का केन उठाया और बाहर जाने लगी। ये देखकर सास जानकी, ये तेल का कैन कहाँ लेकर जा रही हो? बस कुछ देर शांति से रुकी, मैं बता दूंगी। वो कंटेनर लेकर बाहर निकल गई तो सास जानकी सोचने लगी, अरे ये बहू ये तेल का डिब्बा बाहर क्यों लेकर गई है, पता नहीं क्या करेगी। उधर स्वप्ना कैन से ऑयल निकालकर पानी पर छिड़कने लगी। सास जानकी ने सोचा कि बाहर जाकर देखती हूँ। अरे बहू, ये तेल लेकर बाहर क्यों आ गई हो? वो उस जगह उतर आई और क्या था, बस फिसल कर गिर पड़ी। उसे गिरा देखकर स्वप्ना, अरे वे वे वे, क्या हो गया आपको, मैं आती हूँ, वहीं रुकिए। स्वप्ना अपनी सास की मदद के लिए गई तो वो भी फिसल गई और अपनी सास पर ही गिर पड़ी। अरे मैं मर गई, अरे स्वप्ना अब तो पहले से भी ज्यादा दर्द हो रहा है, आई माँ, ऐसे गिर पड़ी जैसे कोई भैंस गिर पड़ी हो, उठ और मुझे भी उठा, जल्दी कर, उसने उसे डांटा। स्वप्ना ने उठकर अपनी सास को उठा लिया और दोनों धीरे धीरे करके अंदर चली गई। तुमने क्या किया, क्या तुमने पानी में तेल मिलाकर छिड़क दिया? हाँ यही किया था। ये सुनकर उसकी सास चौंक गई। अरे पागल हो गया, क्या कोई तेल मिला हुआ पानी छिड़केगा? आप ही ने तो कहा था सासू माँ कि ये चमकना चाहिए, अब आप ही देखिए कितना अच्छा चमक रहा है धूप में। सास ने उसकी मूर्खता देखकर अपना सिर ही पकड़ लिया। तुम्हें काम देना मेरी मूर्खता है, और जब मैंने तुमसे कहा कि इसे चमकाना है तो मतलब ये था कि घर के सामने अच्छी रंगोली डालना, ना के सामने तेल छिड़कना और दूसरे का सिर तोड़ देना। हे भगवान, वो परेशान होकर वहाँ से चली गई। फिर स्वप्ना सोचने लगी, सासू माँ ने जो कहा मैंने वही तो किया, तब भी डांट रही है, सब सास लोग ऐसी होती है। उसने सोचा। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। एक दिन जब स्वप्ना अखबार पढ़ रही थी तो उसे डिस्काउंट ऑफर दिखा, वो तुरंत अपनी सास के पास दौड़ी। सासू माँ, एक नया शॉपिंग मॉल खुला है आज और 50% डिस्काउंट चल रहा है, चलो ना हम लोग चलेंगे। हम चल सकते हैं, लेकिन जो मैं कहूँगी तुम्हें वही करना होगा, नहीं तो कहीं नहीं जाएंगे हम, समझी? मैं कुछ नहीं करूँगी ऐसा, आप जो कहोगी वही करूँगी। तो दोनों अपनी अपनी स्कूटी में सवार हो गयी। जब वे जा रही थी तो उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पुलिस बाइक्स को रोक रही है। ये देखकर बहू घबरा गई और बोली, हे भगवान, सासू माँ हमारे सामने पुलिस बाइक रोक रही है। कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ 100 रुपए का जुर्माना भर देंगे और क्या। लेकिन हम 100 रुपए भी क्यों बर्बाद करें, मैं बताती हूँ क्या करें। ये कहते ही उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। एकदम से स्पीड बढ़ने से सास जानकी फिसल गई और बाइक के साथ घिसटने लगी। अरे मूर्ख औरत, मैं मरने वाली हूँ, वो चिल्लाने लगी। सास की चीख पुकार सुनकर स्वप्ना ने तुरंत बाइक रोक दी और अपनी सास की तरफ देखा। उसने तुरंत जाकर अपनी सास को उठाया, लेकिन तब तक वो पूरी घायल हो चुकी थी। क्या तुझमें जरा भी समझ है, मैंने तुझसे कहा था ना अपनी अकल मत लड़ाना, लेकिन तूने वही किया, 100 रुपए देकर आगे बढ़ जाते, लेकिन तूने
सॉरी सासू माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। उठिए, मैं आपको धीरे धीरे ले चलती हूँ, शॉपिंग करके आएंगे। शॉपिंग? शॉपिंग के लिए कहेगी तो तुझे थप्पड़ मारूंगी। अरे पगली, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चल। वो उस पर चिल्लाने लगी। तब कहीं जाकर बहू सास को अस्पताल लेकर गई। रुद्रवर नाम के एक गांव में सास और बहू सावित्री और नीरजा रहती थी। वे लंबे समय से उस गांव में एक होटल चला रही थी। दोनों बहुत रुचिकर खाना बनाती थी, इसलिए उनका होटल हमेशा व्यस्त रहता था और सास के पास बिल्कुल खाली समय नहीं था कि जरा भी आराम कर सके। इससे सास एक दिन परेशान होकर बोली, अरे बहू, हर वक्त काम ही काम होता है। कभी कभी मुझे लगता है हमने होटल बेवजह शुरू किया। आप ऐसी क्यों कह रही हो सासू माँ? इस होटल ने हमें न केवल पैसा बल्कि प्रसिद्धि भी दिलाई है और लोगों को हम जो भी परोसते हैं वो खाना पसंद आता है, साथ ही कि हम अपने आसपास कितनी सफाई रखती हैं। सच है, इस होटल ने ही हमें अमीर बनने में मदद की है, लेकिन सुबह से लेकर देर रात तक हमें इस होटल में ही रहना होता है और लगातार काम करना होता है, इसीलिए मैं थक और ऊब गई हूँ। हम कहीं जा भी नहीं सकते, कहीं घूम भी नहीं सकते हैं। सच बात है ना? वो बुरा महसूस कर रही थी। ये सुनकर नीरजा बोली, ठीक है, मैं समझ गई, इसका एक उपाय है, बता दूं? वो क्या है? चलो 10 दिन के टूर पर चलते हैं। तो फिर हमारे होटल का क्या होगा? अगर तुम दोनों बात चाहती हो सासू माँ, तो फिर कैसे पॉसिबल है? चलो कुछ दिनों की छुट्टी पर चलें और फिर वापस आकर दोबारा काम करेंगे। कुछ दिन बंद रखने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा है तो तय करके मुझे बताओ हमें कहाँ जाना है। इस तरह दोनों ने एक लंबी यात्रा पर जाने का फैसला किया और सभी जगहों का आनंद लेना चाहा। इसके लिए उन्होंने शहर में एक कमरा लिया। वे बड़े बड़े स्मारकों, पार्कों, संग्रहालयों और अन्य स्थानों पर जाने लगे और खूब आनंद ले रही थी। अरे बहू, शहर का जीवन चाहे कोई कुछ कहे, सबसे सुखद जीवन होता है। जहाँ हमारा मन करे हम जा सकते हैं और आराम से घूम कर आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सासू माँ, आपको पता है ना वो कहावत कि दूसरी तरफ की घास ज्यादा हरी दिखाई देती है। शहरी लोग इतना बिजी होते हैं कि ध्यान ही नहीं देते। हमारे लिए नया है ना? हाँ ठीक है, कुछ खाना है बहू। चलो किसी अच्छे होटल में चले, इतने सालों हमने अपने होटल का ही खाना खाया, आज पहली बार किसी और होटल का खा कर देखे। तो वे दोनों एक अच्छे होटल में गई। जब वे अंदर गई तो उन्हें एक फिश एक्वेरियम दिखाई दिया। उसमें तरह तरह की रंगीन मछलियां थी और कई लोग उन मछलियों को देखने आ रहे थे। वाह बहू, देखो कितनी अच्छी लग रही हैं ये मछलियां। अगर हम अपने होटल में भी ऐसा एक एक्वेरियम रखें तो? फिर उन्होंने पेट भर के खाना खाया और होटल से बाहर आ गए। ऐसे ही वे कई दिन तक सभी स्थानों पर अच्छे से घूमी और 10 दिन बाद घर लौट कर आई। हाँ मैया, अब मेरे मन को शांति मिल गई। चलो आज आराम करते हैं, कल से अपना काम करेंगे। उन्होंने सोचा और उस दिन आराम किया। अगले दिन जब वे होटल गईं, तो उन्होंने देखा कि इन 10 दिनों में जब उनका होटल बंद था, बहुत सारे और होटल खुल गए थे। ये देखकर दोनों चौंक गईं। हे भगवान, ये क्या हो गया? 10 दिन में इतना बदल गया? क्योंकि हम यहाँ नहीं थे इसलिए सभी ने होटल शुरू कर दिए हैं, लेकिन कोई भी हमारे आने के बाद उन होटलों में जाना पसंद नहीं करेगा, उसने कहा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन होटल की आय पहले से कहीं ज्यादा कम हो गई थी क्योंकि और होटल खुल गए थे। ओ बहू, हमसे गलती हो गई। जब से हम वापस आए हैं हमारी आमदनी इतनी कम हो गई है, अब हम क्या करें बोलो? अगर हम चाहते हैं कि हमारी आमदनी फिर से बढ़ जाए तो हमें अपने होटल को जरा बदलना होगा। होटल बदलोगी? क्या करोगी तुम? जैसे कि हमने उस होटल में देखा था सासू माँ, फिश एक्वेरियम, एक हम भी अपने होटल में रख लें और तब लोग कम से कम एक्वेरियम को देखने ही आएंगे, है ना? उनके पास बचत के जो पैसे थे उनसे उन्होंने एक अंडर वाटर होटल बना लिया। उन्होंने होटल के 3 तरफ एक्वेरियम बनाया और उसमें रंगीन मछलियां छोड़ी। होटल मछलियों के उस एक्वेरियम के साथ बहुत सुंदर लग रहा था। शुरुआत में तो व्यापार मंदा ही रहा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उस अद्भुत एक्वेरियम के बारे में पता चला और लोग उनके होटल में आने लगे और आय भी तेजी से बढ़ गई। इससे सास और बहू की खुशी की सीमा न रही
और फिर उन्होंने अपने होटल में और भी नौकर चाकर रख लिए और आराम से अपने होटल का काम करती रही।